हेलो स्टूडेंट्स, राम राम। आज हम लोग अपने सीरीज का फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल चैप्टर वन से ही है, रैशनल नंबर से ही है। फर्स्ट सवाल, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर रैशनल ऑफ रैशनल नंबर, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ डिविजन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ इसमें आपको समझना होगा कि आइडेंटिटी किस टाइप के नंबर्स को बोला जाता है। तो आइडेंटिटी उस टाइप का नंबर बोला जाता है, मान लो किसी के साथ भी आप आइडेंटिटी वाला वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, आइडेंटिटी वाला नंबर ऐड करते हो तो आपको ना आंसर उतना ही मिलना चाहिए, या फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सेम वही नंबर मिलना चाहिए। एंड अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी सब्ट्रैक्शन, और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही सेम टू सेम वही आंसर मिलना चाहिए जिसके साथ आप इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। एंड सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसा होता है, डिवीजन में भी। तो क्या अभी इसमें आपको जीरो के बारे में पूछा जा रहा है? ठीक है, तो जीरो इनमें से कौन सा ऑपरेशन में आंसर सेम ला सकता है? तो अगर देखो, मैं मल्टीप्लिकेशन में जीरो डालू तो जीरो बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जीरो अगर हम ऐड करें तो भी वो जो है सेम टू सेम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो फिलहाल तो ना तो मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहे हैं ना तो यहाँ पे डिविजन में, ये दोनों में नहीं करता। हाँ, जीरो अब ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्शन किया जाए, दोनों में आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें इसका सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जीरो को एक्चुअली बोला जाता है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां पे जीरो फॉर आइडेंटिटी फॉर एडिशन ही बोला जाता है, सब्ट्रैक्शन नहीं बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने बोला कि 5 के साथ आप 0 सब्ट्रैक्ट करो आपको सेम मिलेगा, लेकिन आप इसको एक बार उल्टा करके तो देखो क्या आपको सेम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो तो 5 के जगह -5 बन गया। पहले 0 और 5 को सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर आ गया -5। तो नंबर चेंज होता है सब्ट्रैक्शन, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी कैंसिल। तो लास्ट ऑप्शन एडिशन, इसलिए 0 एक एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, क्योंकि एडिशन में जब 0 आप किसी से भी ऐड करते हो आंसर सेम टू सेम रहता है। कोई भी नंबर में 0 ऐड करो नंबर नहीं बदलता, इसी को आइडेंटिटी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए में आप टिक लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन इज द आइडेंटिटी। ओके, अभी आइडेंटिटी मैंने अभी आपको समझाया, आइडेंटिटी मतलब ऐसे नंबर को बोलते हैं जो किसी से भी कैलकुलेट हो आंसर सेम आता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम एडिशन एडिशन में 1 को ऐड करें, मान लो 5 के साथ 1 ऐड करें तो सेम आंसर तो आएगा नहीं, 6 आ जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 को तो फिर आंसर सेम रहता। अब बोलोगे कि हाँ डिवाइड में भी तो सेम ही रहता सही, तो ये पहला दो तो नहीं होगा, तो ये दो में से कोई हमारा एक ऑप्शन होगा। तो अब बात है, जब आप स्कूल में क्लासेस करोगे उसमें आपको प्रॉपर्टीज वगैरह बताया जाएगा, तब देखना वहां पे उन लोग बोलेंगे आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इससे बोला जाएगा, बट इससे नहीं बोलेगा। इसका रीजन क्या, आप इसको एक बार रिवर्स करके करो, आपको 5 डिवाइडेड बाय 1 तो 5 मिल रहा है, लेकिन 1 डिवाइडेड बाय 5 करके अगर आप देखोगे तो देखना ये 5 बदल के 1/5 हो जाता है, तो नंबर में चेंज आ जाता है, इससे डिवीजन भी कैंसल, डिवीजन भी नहीं होता। सो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नोट डाउन कर लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अभी हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का साइन बदल के बोलना, मतलब अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव में आंसर बताओ उसका, अगर वो नेगेटिव में वो नंबर दिया हुआ है तो आप उसे पॉजिटिव में ले। फॉर एग्जाम्पल, -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5, +2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। इस तरह नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। अब हमारे पास है नेगेटिव नंबर, ओके, इसका एडिटिव इनवर्स इसका पॉजिटिव होगा। अब आपको इसका पॉजिटिव ढूंढना है, 7/19 ढूंढना है, तो 7/19 19, ये ऑप्शन बी। ओके,
बस इतना ही है। देखो एडिटिव इनवर्स को निगेटिव इनवर्स भी बोलते हैं लोग, निगेटिव इनवर्स एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसका मतलब जो भी नंबर दिए है आप उसके साइन को बदल के बोलो, ठीक है, निगेटिव को पॉजिटिव बोलो। एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो आप गलती से रेसिप्रोकल मत कर। एडिटिव इनवर्स का काम होता है सिर्फ साइन को चेंज करना, रेसिप्रोकल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, जैसे ये रेसिप्रोकल दिया हुआ, ये रेसिप्रोकल दिया, तो ये रेसिप्रोकल है, इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल, तो ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। अब ये तो सेम आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ साइन बदला है यहाँ पे ऑप्शन बी में, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ चेंज द साइन, साइन को आप बदल दो और कुछ नहीं करना आप। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जो मैंने अभी बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, उससे नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला अगर नेगेटिव रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो क्या होगा, तो वो नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है, साइन नहीं चेंज होता, साइन किस में चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स में, और हम यहाँ एडिटिव इनवर्स तो कर नहीं रहे, तो साइन को नहीं बदलना, तो कोई नेगेटिव नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही रह जाएगा, वो बदलेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन बी कि किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, साइन नहीं बदलता, साइन बदलने का काम होता है एडिटिव इनवर्स में, यहाँ हम एडिटिव इनवर्स नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे, ठीक है। चलो अभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि आप ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेंज नहीं होता, ठीक है, जैसे कि माइनस वन, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको माइनस वन ही मिलेगा, और दूसरा है वन, इसका भी आप मल्टीप्लिकेटिव, ये माइनस वन जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है, इसको अगर चेंज करोगे वन ही रहेगा, तो ये दो आंसर है, माइनस वन एंड वन, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी चेंज नहीं होगा। चलो ये मैंने एक्स्ट्रा करके आपको बताया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग में क्या बता रहे हैं, असर्शन होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सही बात है, आप अगर 2 और 5 ये दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको -3 मिलता है, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था ना, होल नंबर और होल नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होगा तो जो आंसर आएगा होल नंबर आना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मैंने 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 और 5 दोनों होल नंबर थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद वो होल नंबर नहीं बन पाया, -3 बन गया जो कि इंटीजर है, तो इसका मतलब होल नंबर क्लोज नहीं होता सब्ट्रैक्शन में, ये फॉल्स है, तो असर्शन फॉल्स है ना। अच्छा आगे क्या दिया रीजन में, रैशनल नंबर रीजन नंबर दैट कैन बी इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सही है, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये भी सही है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है, तो इसका रीजन सही है, असर्शन गलत है, ये ऑप्शन आप देखो कहाँ मिलेगा, ये देखो ऑप्शन डी में, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज, ओह सॉरी असर्शन, हाँ सही है, रीजन इज ट्रू, सही है, ऑप्शन डी में आप टिक लगाओ, असर्शन गलत है, फॉल्स है, रीजन ट्रू। ओके चलो, तो आज का क्लास कैसा लगा बताना, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो आपको, आपके स्कूल में कोई एमसीक्यू बताएगा जो आपको नहीं समझ पाया, देन मुझे व्हाट्सएप करो, मैं समझाऊंगा वो चीज, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयार हो जाना, नेक्स्ट क्लास हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, ओके बाय बाय, राम राम।